नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। DSSSB की तरफ से वैकेंसीज आना शुरू हो गई हैं। हालांकि जो वैकेंसीज अभी आई हैं वो बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं है, उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो 26,000 वैकेंसीज का वादा किया गया था वो अब 2023 के फेज में लगातार वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए। अभी क्या वैकेंसी है इस चीज़ को मैं आपको दिखा देता हूँ कि DSSSB के अभी जो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हिंट दिया है कि आपका जो आने वाला है वो कुछ प्रकार के लगभग 1800 वैकेंसीज DSSSB के द्वारा, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज के द्वारा आने वाली हैं, जिनका फॉर्म 17 तारीख से यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। इनमें से म्यूजिक टीचर के हैं लगभग 182 पद हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर के 581। इसमें थोड़ी सी ये हो गई है कि जनरल में केवल 9 पद हैं, तो ये थोड़ा सा जनरल वालों के साथ गलत हो गया है। ओबीसी के पद ज्यादा हैं, हालांकि हमेशा ऐसा होता है कि एटलीस्ट 50% सीटें जनरल के लिए रिजर्व होती है, बाकी फिर सारे भी 50% में बाकी लोग होते हैं। बट इसमें देखा जाए तो जनरल की केवल 9 ही सीट है। उसके बाद छोटे छोटे पोस्टेड हैं, पब्लिसिटी असिस्टेंट, फोटोग्राफर, सर्विस वर्कर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ऐसे फिर आपका सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट SSA का पोस्ट बोला जाता है, लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक का, साइंटिफिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये सारे ही दो दो तीन तीन पद यहाँ पे निकले हैं। तो बहुत ज़्यादा तो इसमें आप नहीं क्यूरियोसिटी दिखाते हो, इतना पता है। बट कुछ पद हैं जो ज़्यादा संख्या में है, वो बच्चे देख सकते हैं। एक जो स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट का है, ये पद आपके लिए है, स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट। यहाँ पे आपके स्टेट्स वाले जो हैं वो बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा मौका है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ पद अगर यहाँ पे असिस्टेंट वाले में जो है, लैब असिस्टेंट जो ग्रेड 4 का है और असिस्टेंट जो ऑपरेशन थिएटर OTC SSD का है, यहाँ पे भी 118 पद हैं। अब सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें क्या पूछेगा, पद ही ऐसा है जो पहली बार सुने। तो बता दें DSSSB क्या होता है, केवल टीचिंग का नहीं निकालता है, बहुत सारे नॉन टीचिंग के भी और बहुत सारे अलग अलग विभागों के लिए भी पद निकालता है। इस बात को आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे अभी हम इसका बोले ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर, ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का ही है और ये टीचिंग पोस्ट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगता है, इसमें आपका बस बीएड होना चाहिए, और अगर बीएड नहीं है तो इसके इक्विवेलेंट कुछ होना चाहिए, प्लस सीटेट होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएट विद बीएड है तो वहाँ पे सीटेट की जरूरत नहीं है, सिंपल सा पोस्ट है। ये 4600 ग्रेड पे का है, ग्रुप बी का पोस्ट है, नॉन गेस्टेड है। इसमें जो एज लिमिट होती है वो मैक्सिमम 30 साल दी होती है, बाकी जैसे रिलैक्सेशन होते हैं वैसे होते हैं। जो इनका सिलेबस पैटर्न होता है वो दो पार्ट में होता है, एक तो आपका पार्ट ए में 20-20-20-20 करके 100 क्वेश्चन होते हैं, 20 मैथ्स, 20 आपका रीजनिंग, 20 आपका जनरल अवेयरनेस, 20 आपका इंग्लिश, 20 आपका हिंदी, ऐसे करके आपके क्या होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है जो आपका पेडागॉजी पार्ट से पूछा जाता है। ऐसे ही जो दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप थोड़ा सा रुचि दिखा दे रहे हो, उसके मैं बता दूं, यहां पे जो लैब टेक्नीशियन ग्रेड 4 का है, ये H&FW डिपार्टमेंट का होता है। इसमें BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वाले भर सकते हैं, या फिर आपका मेट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी होना चाहिए साइंस के साथ, इसके साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए MLT में, उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब असिस्टेंट के पास। तो या तो आपके पास BSc MLT होना चाहिए, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन MLT होना चाहिए, मेट्रिकुलेशन साइंस के साथ होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी जो ग्रेड पे है वो 2800 की ग्रेड पे है और जो एज है वो 18 से 27 साल तक है, इस बात को आप जान दीजिएगा। बाकी रिलैक्सेशन वैसे ही है जैसे हैं, इसके भी दो पार्ट होते हैं, 100 आपका जनरल पार्ट होता है और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जो जनरली बायो होता है वो पूछता है। बायो में आपका जो ब्लड साइंस होता है, आप बोल सकते हो जो टेस्ट होते हैं कि RH फैक्टर क्या है, न्यूट्रोफिल्स क्या है, ये सारी चीजें जो होती हैं, RBC वगैरह, इनसे क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें। बाकी आपका जो यहाँ पे है तीसरा पोस्ट कोड लैब असिस्टेंट ग्रुप 4 के लिए, इसमें आपका मेट्रिकुलेशन होना चाहिए साइंस के साथ और उसके बाद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT में डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप ये इसके लिए भर सकते हो। ये 2400 ग्रेड पे के है, 18 से 27 साल इसका भी है, ये आप ध्यान दे सकते हो, ये भी इसके अच्छे खासे पद हैं, जिनके पास ये एलिजिबिलिटी है वो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो टेक्निकल असिस्टेंट जो OTC SSD है, इसमें भी मेट्रिकुलेशन साइंस के साथ होना चाहिए, उसके बाद ऑपरेशन रूम जो ऑपरेशन थिएटर होता है उसका असिस्टेंट कोर्स कुछ किया होना चाहिए, 5 साल का किसी OT में, ये विभिन्न प्रकार की OT है, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, CSSD, एनेस्थीसिया, गैस प्लांट, इन सब में क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना है 5 साल का। अगर ऐसा नहीं है तो या तो BSc हो, BSc के साथ 3 साल का क्या होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्नीशियन इन ऑपरेशन थिएटर। अगर ऑपरेशन थिएटर में टेक्नीशियन का आपका डिप्लोमा क्या है एक्सपीरियंस है और सिंपल BSc हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसमें भी ठीक ठाक पद इस बार हैं और इसका भी जो ग्रेड पे है 2800 ग्रेड पे है, उम्र जो है
27 साल के नीचे वाले होने चाहिए, 18 साल मिनिमम होता है, लेकिन मिनिमम नहीं दिया है तो कोई भी मांगा जा सकता है, कुछ भी भर सकते हैं, बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर शेड्यूल होता है। तो ये आपकी जो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज में थे, जिनके पद ज्यादा थे उनके बारे में बता दिया हूं। बाकी जो भी पद आपके लिए नेसेसरी है वो मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूं। DSSSB की लगातार वैकेंसीज आ रही है, इसमें PRT की भी आएंगी, TGT की भी आएंगी, PGT की भी आएंगी। और यही नहीं, अभी मैं अगर इसकी बात करूं तो जैसे इसमें रिक्रूटमेंट में जाए, हम वैकेंसीज में जाए, तो बहुत सारी वैकेंसीज अभी आना यहाँ पे बाकी है, और प्रत्येक साल लगभग सारे पद के इनकी वैकेंसीज आती ही आती हैं। तो अभी मान के चलिए कि PRT की आनी है, TGT की वैकेंसी आनी है, बहुत सारे नॉन टीचिंग पोस्ट जैसे GSA का हो गया, स्टेनो का हो गया, LDC हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क होता है, लाइब्रेरियन का हो गया, जो हॉस्टल वार्डन वगैरह होती है, इन सबके बहुत सारे पद जो और भी DSSSB जिन विभागों का करवाते हैं, बहुत पद हैं इसमें, तो उसकी तैयारी आप लोग करिए। इसमें तैयारी करने में आपको अभी से जो मेन पार्ट है, आप हिंदी, इंग्लिश और आपका जो है मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इन पार्ट को आप कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए। अभी इसका DSSSB PRT का बैच चल रहा है परीक्षा प्लस पे, हम जल्दी ही DSSSB के जो कॉमन पार्ट होते हैं उनका बैच एक अलग से आपके लिए ले आएंगे, मिनिमम फीस में ले आएंगे कि आपको बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो, और आप उसकी तैयारी आज से स्टार्ट कर दो, बिल्कुल देर मत करो। तो जो बच्चे DSSSB की तरफ विभिन्न पोस्टों के लिए तैयारी कर रहे हैं वो परीक्षा प्लस ऐप आज ही डाउनलोड कर लें। चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत।